आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ये जो एक पिंड है यानी कि सॉलिड पदार्थ है, इसके ऊपर अगर कोई प्रकाश आता है तो वो सारे अवशोषित कर लेता है और सभी विकिरण को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। या फिर कोई धातु है, उसकी प्लेट है, उसकी सतह पे अगर अपन विकिरण डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ये बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं समझा पाए थे, तो उसके बाद में इनको समझाने के लिए कौन आए, प्लांक, यानी कि मैक्स प्लांक ने क्या दिया, आगे सिद्धांत दिया। सबसे पहले उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में प्लांक ने क्या बताया, तो बच्चों एक सॉलिड क्या बताया उन्होंने, कि यह एक ब्लैक कलर का क्या होता है, पिंड होता है, जो क्या है, पूरा बॉडी क्या है, ये ब्लैक है। अब जब इसके ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, यानी कि क्या डाल रहे हैं, विकिरण डाल रहे हैं, उनकी आवृत्ति क्या है यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, तो ये पिंड क्या करेगा, उस सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेगा। यानी कि ये पिंड क्या करेगा, सभी जो आवृत्ति वाली यानी कि जो विकिरण आ रही है उनका क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। और अगर इसमें से अपन इसको एनर्जी देंगे, इस पिंड को क्या करेंगे, ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, यानी कि इसको दे रहे हैं अपन ऊर्जा, तो ये क्या करेगा, पूरा पिंड सभी विकिरणों को क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा, यानी कि क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा। तो सभी के सभी विकिरणों का अवशोषण करना और सभी जो विकिरण उत्सर्जित की है उनका क्या कर देना, उत्सर्जन कर देना, इस प्रकार के पिंड को एक आदर्श पिंड नाम दिया। क्या नाम दिया, आदर्श पिंड नाम दिया, और इसे ही कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक ने इसी को ही बताया था। यानी कि ऐसा कोई आदर्श पिंड जो अलग अलग आवृत्ति की जितने भी विकिरण अगर इस पे डालते हैं उनका अवशोषण कर ले और ऊर्जा देने के ऊपर सभी विकिरणों का क्या कर दे, उत्सर्जन कर दे, उसे बोलते हैं आदर्श पिंड यानी कि ब्लैक बॉडी। अब ये जो ब्लैक बॉडी है, ये जो है, जो ब्लैक बॉडी है ये क्या है, एक कणीय प्रकृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कणीय प्रकृति को। क्यों कणीय प्रकृति को, क्योंकि जब प्लांक ने ये सब देखा कि जब उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है, जो उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है यानी कि उनकी उसकी इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता है, तीव्रता है ये बढ़ रही है, कब, जब लैम्डा कम हो रही है, जब वेव नेचर कम हो रही है तो तीव्रता क्या है, बढ़ रही है। ये बात किसने, प्लांक ने बताई। और ये देख के प्लांक ने कहा कि जब कोई भी वेव है वो जब गति कर रही है यानी कि कोई भी विकिरण है वो गति करेगी, तो वो एक तरंग के रूप में गति नहीं करेगी, वो छोटे छोटे किस फोटोन के रूप में गति करेगी, यानी सतत रूप से गति नहीं करेगी, टुकड़ों के रूप में गति करेगी, और इस टुकड़ों को बोला गया फोटोन। क्या बोला, फोटोन। ये जो फोटोन होते हैं, इस फोटोन की जो आवृत्ति है यानी कि इस फोटोन की जो आवृत्ति बोला, न्यू बोला, वो एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये था प्लांक का नियम, यानी कि प्लांक ने जो थ्योरी दी वो क्या थी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, न्यू के। अपन जब प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो ई इक्वल्स टू क्या आएगा, एच न्यू। ये है प्लांक का थ्योरी। और एच क्या है, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड।
ये प्लांक ने ब्लैक बॉडी के बारे में बताया कि सभी विकिरणों का अवशोषण करना, एनर्जी देने पे उत्सर्जन करना, एक आदर्श पिंड की तरह व्यवहार करना क्या कहलाया? ब्लैक बॉडी। और इसी को नाम दे दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब ये उत्सर्जन हो रही थी विकिरण, तो इसकी जो तीव्रता है वो बढ़ रही थी जब लैम्डा कम हो रही थी। उस प्लांक ने बताया कि ये जो वेव नेचर है ये एक तरंग के रूप में ही नहीं है, ये कण के रूप में भी होती है, यानी कि जो कण है उनको नाम दिया फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो न्यू के समानुपाती है, यानी कि आवर्ती के समानुपाती है। ये जो समानुपाती का जब चिन्ह हटाया एच आया, एच का जो मान है 6.6 × 26 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ये किसका? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था। तो देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में सबसे पहले एक धातु की प्लेट ली, यानी कि धातु की प्लेट क्यों ली? क्योंकि अगर उस पर विकिरण डालेंगे तो वो क्या करेगा, वहां से एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। ये है किसी भी धातु की प्लेट। अब ये जो धातु की प्लेट है, ये धातु की प्लेट या तो सीजियम की है या पोटेशियम की लेते हैं। ये सीजियम और पोटेशियम की ही प्लेट क्यों ली जाती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर किस मेटल की, यानी कि धातु की किस प्लेट लेते हैं? तो या तो सीजियम की या पोटेशियम की। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो क्या होता है, कम होती है। क्योंकि इनके ऊपर आसानी से अगर लाइट डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी कि इस मेटल की सतह पे प्रकाश की जब किरण डाली जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये जो धातु की प्लेट है इसको कहाँ से जोड़ा है, कैथोड से। कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो ये जाएंगे एनोड की तरफ, और एनोड से धारा प्रवाहित होती हुई एक बैटरी लगाई और एमिटर लगा दिया कि धारा प्रवाहित हुई है या नहीं हुई। ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव का डायग्राम। ये प्लेट है, ये जो नली ली है ये कांच की है, ये जो प्लेट लगाई है ये सीजियम और पोटेशियम की है, क्योंकि इसकी जो आयनन विभव होता है वो कम होता है। अब देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसकी कुछ विशेषताएं थी, वो क्या है? सबसे पहले जब इस धातु की प्लेट पे, यानी कि धातु की प्लेट पे प्रकाश डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, विद्युत धारा में प्रवाहित करते हैं। अब देखिए, ये जो लाइट डाल रहे हैं, यानी कि ये जो लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता। समय अंतराल का मतलब है कोई गैप नहीं है। जिस तरीके से अपन स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है, उसी तरीके से यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और तुरंत क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। प्रकाश की किरण और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, के बीच कोई समय अंतराल नहीं है। समय अंतराल का मतलब समझ गए,
कि जैसे ही इस धातु की प्लेट पे लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई समय अंतराल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जब धातु की प्लेट पे क्या डाल रहे हैं अपन, विकिरण डाल रहे हैं, तो इन विकिरण की क्या होगी, कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो धातु है ये भी अपनी कुछ आवृत्ति रखता है, यानी कि कुछ अपनी एनर्जी रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि बोलते हैं दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, या फिर बोला जाता है दहलीज ऊर्जा भी बोलते हैं, दहलीज फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये देखिए, जो प्रकाश की किरणें अपन डाल रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी इसकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जो थ्रेशोल्ड जो एनर्जी होगी, उसके बराबर अगर अपन एनर्जी डालेंगे तभी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और ये क्या है, एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूं। जैसे ये एक धातु की प्लेट है, इस पे क्या करना है अपन, प्रकाश की किरण डाल रहे हैं। जब प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो इस धातु की जो थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है, यानी कि वो 100 है, 100 है। तो अगर अपन प्रकाश डाल रहे हैं, वो अगर 100 किलो जूल मानते हैं, और ये है मान लो 80 किलो जूल का क्या कर रहे हैं अपन, एनर्जी डाल रहे हैं। ये 80 किलो जूल की एनर्जी यहाँ आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी क्या है, मिनिमम जो एनर्जी है वही क्या है, 100 किलो जूल है। तो अपन को कम से कम कितनी देनी पड़ेगी, 100 किलो जूल तो देनी ही पड़ेगी। अगर अपन 100 किलो जूल दे रहे हैं, यानी कि ये 100 किलो जूल दे रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो ये एनर्जी अपन इसके बराबर दे रहे हैं तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। मान लिया कि अपन ने यहाँ पे एनर्जी दे दी 150 किलो जूल, ये 150 किलो जूल जैसे ही यहाँ पे एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन तो 100 किलो जूल ही खाएगा, उसके बाद में जो बचेगी, यानी कि 50 किलो जूल और बचेगी, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए, पहला रूल है, धातु की प्लेट पे जब प्रकाश डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और प्रकाश की जो विकिरण डालते हैं और जो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता है। तीसरा है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी कि दहली आवृत्ति है, दहली आवृत्ति के बराबर क्या देना पड़ेगा, प्रकाश देना पड़ेगा। अगर दहली आवृत्ति से ज्यादा प्रकाश दे रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अब जो दहली आवृत्ति है उसको एच न्यू नोट से डिनोट किया गया था कि ये क्या है, एच न्यू नोट है। जो अपन एनर्जी दे रहे हैं, जो प्रकाश डाल रहे हैं, उसको टोटल प्रकाश को एच न्यू से डिनोट कर देते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये जो दहलीज आवृत्ति होती है, यानी कि जो दहली आवृत्ति है, इसके बराबर प्रकाश पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा। तो अगर अपन एक फॉर्मूले से देखें कि इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए, अगर टोटल अपनी एनर्जी है एच न्यू, ठीक है, डाली है अपन ने एच न्यू, वो काम कितनी आई, एच न्यू नोट क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि दहली आवृत्ति हो गई। और जो बची वो क्या काम आ गई, वो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो गई, अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो देखिए ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो दहली, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, यानी कि सीजियम के लिए अलग होगी, पोटेशियम के लिए अलग होगी। अब देखिए, जो अपनी काइनेटिक जो एनर्जी है, यानी कि धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला
तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसकी जो काइनेटिक जो एनर्जी है यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आवर्ती के समानुपाती होगी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो आवर्ती है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की वो आवर्ती के क्या है, समानुपाती है, जबकि तीव्रता पे क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। यानी कि इस पे काइनेटिक एनर्जी जो फोटोन की है वो तीव्रता पे कोई डिपेंड नहीं करती, बट आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती होती है। जबकि अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इंटेंसिटी के क्या होती है, तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिए ये पॉइंट है, यानी कि देखा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तीव्रता के समानुपाती है, बट अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखने लायक है। देखिए एक बार दोबारा से समझते हैं कि जब कोई प्रकाश की क्या है, प्लेट है, प्रकाश की किरण अपन उस पर डालेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो प्रकाश की किरण और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन में कोई गैप नहीं होगा, समय अंतराल नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कैथोड पे क्या जोड़ेंगे, मेटल की प्लेट जोड़ेंगे और एनोड की तरफ क्या होगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी। जो अपन इस मेटल की जो मिनिमम जो एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है उसको दहलीज आवृत्ति या HNU यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और जो कुल जो टोटल जो एनर्जी होती है HNU होती है, और जो ये हाफ MV² है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए जो अपनी जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद में बची हुई क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती, जबकि तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। इस दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। तो ये है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे देखो क्या पता चला कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये दोनों क्या बताते हैं, प्रकाश की कणीय प्रकृति। प्रकाश की क्या बता रहे हैं, कणीय प्रकृति, यानी कि प्रकाश किसके रूप में होता है, एक कण के रूप में होता है, ना कि एक वेव के रूप में होता है। ये डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है, यानी कि प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है, ये दो प्रकार से क्या करता है, व्यवहार करता है। कैसे, कि एक तो प्रकाश का कणीय प्रकृति और एक होती है तरंगीय प्रकृति। दूसरी क्या होती है, तरंगीय प्रकृति। तो ये प्रकाश की कणीय प्रकृति कब होगी और प्रकाश की तरंगीय प्रकृति कब होगी, ये देखिए जब मान लो कि कोई वेव है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। तो जब वेव गति कर रही है तब तो ये क्या होगी, तरंगीय प्रकृति दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी, तरंगीय प्रकृति। बट जब ये गति करती हुई अगर कोई मैटर के यानी कि द्रव्य से टकरा जाती है तब ये क्या होगी, यहां से कणीय प्रकृति दर्शाएगी, यानी कि यहां से कण प्रकृति दर्शाना चालू हो जाएगी। बाकी अगर कुछ अवरोध नहीं आ रहा है तब ये क्या करेगी, तरंगीय प्रकृति दर्शाएगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका दो तरीके से व्यवहार होता है, एक प्रकाश का कणीय व्यवहार, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, और ये प्रकाश भी बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट भी बोल दो, ये कण के रूप में भी रह सकता है और तरंग के रूप में भी रह सकता है। जब सीधा सीधा चल रहा है तब तरंगीय प्रकृति, और जब क्या हो जाएगा, द्रव्य बीच में आ जाएगा तब कणीय प्रकृति। ये हुई बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात। थैंक यू बच्चों।